DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में भी रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वैश्विक महामारी के चलते इस महापर्व की चमक हालांकि फीकी रही, कमोबेश सभी संत महात्माओं ने अपने अनुयायियों को घर पर ही पूजा अर्चना कर सरकार की गाइडलाइन की पालना का आह्वान किया। स्थानीय राम सखा आश्रम में महंत नंद शरण महाराज ने प्रातःकाल गुरु वंदना कर अपने अनुयायियों को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच गुरु दीक्षा दी और विश्व कल्याण की कामना की। गुरु पूर्णिमा को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा गुरु पूर्णिमा हर साल मनाई जाती है, पर कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कुछ ही आश्रम के परिकरों के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो परंपरा चली आ रही है सनातन धर्म की, उसको तो निर्वाह हम कर ही रहे हैं। और संदेश तो हम संपूर्ण देश और विदेश को यही देना चाहते हैं कि हम जितना हो सके हम प्रशासन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से अनिवार्य हो तो ही निकलें, अन्यथा फालतू घर से निकलने का भी एक व्यवहार करके न निकलें, यहीं रहकर घर में रहकर भी। अभी काफ़ी अपने गुरु पूर्णिमा में हर साल 10-12 हज़ार का प्रसाद बनता है, 10-12 हज़ार मूर्ति आती है, पर वो इस बार सभी शिष्यों को कहा गया कि भाई आप लोग जहाँ के तहाँ वहीं रहें और जो लोकल परिकर हैं वही लोग सूक्ष्म रूप से आकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज गुरुदेव की परंपरा को निर्वाह करते हुए मनाया गया। आपकी क्या कुछ गुरु पूर्णिमा को लेकर के धार्मिक टिप्पणी रहेगी? गुरु पूर्णिमा को लेकर तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन गुरु ही सर्वस्व माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परमात्मा से बढ़कर गुरु को बताया गया है। और जिनके गुरु नहीं हो उनको गुरु बनाना चाहिए, और जिनके गुरु हों वो अगर मान लो अपने गुरुदेव के पास न पहुंच सकें तो वहीं रहकर अपने गुरुदेव के विग्रह के सामने उसी मानसिकता को लेकर गुरुदेव के चरण कमलों में वहाँ विग्रह के सामने पुष्प अर्पण करके गुरु पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और बाकी वैसे श्रीमद् रामचरितमानस के हिसाब से तो स्पष्ट लिखा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई और जो बिरंति शंकर सम होई। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए गुरु तो आध्यात्मिक गुरु तो सर्वस्व माना गया है, इसलिए गुरुदेव तो उस जीवन में बहुत अति आवश्यक हैं। और जिन्होंने गुरु बनाए हैं वो अपने गुरुदेव की मर्यादाओं का अदब का पालन करते हुए अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और इस कोरोना महामारी से बचें। परमपिता परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करें कि जितना जल्दी हो सके संकट से हम सबको मुक्ति प्रदान करें। वहीं गनेड़ा स्थित दिव्य मुरारी बापू आश्रम में भी श्रद्धालुओं का दिन भर आना जाना जारी रहा। इस मौके पर दिव्य मुरारी बापू ने गुरु महिमा का बखान करते हुए गुरु चरण की पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही भारत सहित विश्व से कोरोना आपदा की विदाई की मंगल कामना की। गुरु पूर्णिमा एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा आध्यात्मिक शक्ति का कोई पर्व नहीं है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग आज के दिन अपने गुरुजन जिसके प्रति उनकी गुरु जैसी निष्ठा होती है उनके दर्शन के लिए पधारते हैं। आध्यात्मिक शक्ति जैसे भौतिक शक्ति को हम कई तरह से समाधान मानते हैं, वैसे आध्यात्मिक शक्ति का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। अध्यात्म जगत और पूरा संसार इस बात को स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक शक्ति से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग अपने गुरुजन का ध्यान पूजा पाठ कर रहे हैं और सारी सावधानी का पालन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन इससे भावना यही है कि पूरा देश एक तरह से शक्ति संपन्न बनेगा। और आगे हम थोड़े समय में देखेंगे कि जो संकट महामारी का है ये संकट से भी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही हमें संकटों से बचा सकती है, संकटों से छुड़ा सकती है। ऐसा बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
भौतिक शक्ति में तो कोई दुर्घटना भी हो जाती है, कहते हैं भौतिक शक्ति हेलीकॉप्टर या जितने साधन हैं या दवाओं का भी कई बार रिएक्शन हो जाता है, लेकिन आध्यात्म शक्ति हमेशा मंगल ही करती है। तो गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए हम लोग पूजा पाठ नहीं छोड़े। इतना बड़ा संकट आया लेकिन पूरा भारत अपनी अपनी पद्धति से, जैसे पूर्वजों की परंपरा जिसकी रही है वैसी ही पूजा, लेकिन सब लोग अपने अपने निवास पर पूजा करते रहे। और गुरु पूर्णिमा पर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को स्मरण किया है, और स्मरण करके बस भगवान से, गुरुजनों से यही प्रार्थना हुई है कि ये जो संकट आया हुआ है पूरे विश्व के ऊपर, उससे छुटकारा मिले। भारतीय संस्कृति आज तो विश्व पर संकट है, मानवता है कि हम लोग पूरे विश्व का मंगल चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति तो अनादि काल से ही विश्व का कल्याण हो का नारा लगाया है। केवल भारत नहीं, विश्व का कल्याण हो ऐसा नारा भारत का रहा है। तो गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक शक्ति का मूल है, आध्यात्मिक शक्ति जन जन में बढ़े ये भावना है, और साथ में आध्यात्मिक शक्ति से ही आई हुई समस्या का निवारण हो ये भावना है, और इसी के साथ में विश्व कल्याण की।